एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने अपने सीएसआर के तहत झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित सभी कोयला खनन परियोजनाओं और इसके आसपास के क्षेत्रों से 25 लड़कियों सहित 80 परियोजनाओं प्रभावित युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रायोजित करने की पहल की है। सीएसआर फंड के तहत सीआईपीईटी में प्रशिक्षण दिया गया और सीआईपीईटी में युवाओं को दो पाठ्यक्रम यानी मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग और मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग में रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बता दें कि छात्रों को दो बेंच दो ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एनटीपीसी के जीएम रजनीश रस्तोगी ने छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं छात्र ट्रेनिंग और प्लेसमेंट पाकर काफी खुश नजर आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके और कि आप लोगों ने इस 6 महीने के कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और आपकी सफलता के आधार पर आपको आपके से प्रत्येक को एक प्लेसमेंट ऑफर मिला है, आप सबकी जॉब लगी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसी के साथ साथ सीपेट के भी जॉइंट डायरेक्टर साहब को और उनके अधिकारी गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन बच्चों को आपने जिस तरीके से प्रशिक्षण दे के इनको इस काबिल बनाया है कि इंडस्ट्री में जाके ये अपना अपने आप को साबित कर सके, अपनी काबिलियत को साबित कर सके। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग सीपेट की इस सीपेट रांची में जो आपने काम सीखा है और जिस तरह से वहाँ काम करेंगे तो उससे ना कि आपका भविष्य भी अच्छा होगा और इनका भी नाम आगे इंडस्ट्री में बढ़ेगा। सर, दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, एनटीपीसी और सीपेट को, क्योंकि जो यहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग मिला है और ये क्या गारंटी देता है कि 100% की जॉब मिल ही जाएगा। यहाँ ऐसा चीज़ नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ सबको जॉब मिलेगा 100% गारंटी। और यहाँ नया नया मशीन है प्लास्टिक के बारे में, आजकल की प्लास्टिक पे सब निर्भर कर रहा है कि प्लास्टिक में सारा प्रोडक्ट्स लगभग 90% प्रोडक्ट है वैसा है कि सब प्लास्टिक, उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है और सब प्लास्टिक पे निर्भर करता है और वो जो रिसाइकल भी होता है। जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग यहाँ पर 6 महीने का ट्रेनिंग मिला है और 6 महीने में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब हम खुद से मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें सारे चीज़ को जान सकते हैं, क्या बनना है क्या बनाना है। और ये सीखने के बाद हमें जॉब के लिए ऑफ़र मिला है, हम जॉब में भी जा रहे हैं, हमारा जॉब सिक्योर तेलंगाना में हुआ है तो वहाँ पे भी जाके अच्छा सा परफॉर्मेंस हम लोग को देना है, जितना सीखें सारा कर लेंगे, बढ़िया लग रहा है। और मैंने पढ़ाई भी किया, ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, मगर बहुत सारे जॉब में कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया, किसी कारणवश थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेवल भी देखा जाता है झारखंड सरकार के ये या फिर गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा टफ होता है, शायद कुछ बैड लक के कारण नहीं हो पाया। मगर यहाँ पे 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद हमें कंफर्मेशन दिया जाता है कि हमें जॉब मिलेगी ही और जॉब मिलती भी है, हम इतने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं कि हमें जॉब करने में भी आसानी होती है आगे जाके, और अच्छा लग रहा है जॉब आज मिल रहा है। अच्छा लग रहा है सर, यहाँ से सीख के जा रहे हैं जॉब पे, अच्छा लग रहा है। एनटीपीसी को क्या बोलिएगा? एनटीपीसी को तो यही बोल सकते हैं कि तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि इतना अच्छा उपलब्धि उन लोग दिए, सिखाएं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जॉब के लिए भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत जगह होता है कि सीख के छोड़ देते हैं और ऐसे, लेकिन यहाँ पे पूरा कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉब मिलेगा ही मिलेगा, तो अच्छा लग रहा है। और जॉब पे भी हम जा रहे हैं टाकाहटा में, मेरा राजस्थान में हुआ है तो अच्छा लग रहा है सर। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं इसके लिए 6 महीने का यहाँ टाइम दिया और मुझे यहाँ सारे फैसिलिटी भी मिला था, रहने के एकोमोडेशन और